नानी हूँ, जवान नानी हमारे पास। ये देखिए, ऐसे अगर आपने इनके टोटके आजमाए तो आप ऐसी नानी लगेंगे। तो हमने तो आजमाने हैं। अच्छा, पहला इनका माशाल्लाह बच्चा है, आए हैं और अभी 2 महीने के होने वाले हैं। और मैं वही कही थी, तुम तो निखर गई हो, लोग भी देख रहे होंगे कि बच्चे के बाद तो ये निखर गई है। आपने पहले भी देखा है, रूप आ गया ना है। प्रेगनेंसी में कहते हैं बेटी होने वाली होती है तो शक्ल बहुत प्यारी हो जाती है, यहाँ तो इसके बेटे होने पे अच्छी हो गई है। नहीं, बेटे होने के बाद, वो तो होने के बाद तो सभी अच्छे लग रहे होते हैं। वो बेटे होने से पहले कहते हैं बहुत काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, हो जाता है। कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ब्लेस्ड है भाई। पहला, सबसे पहली चीज क्या आप बता रही हैं? देखिए, अभी जैसे बात हुई थी, शायद वो बता रहे थे हींग वगैरह लगाने की। हाँ हाँ, और ये बच्चे के पेट में दर्द, बहुत बच्चे के पेट में दर्द होता है, हींग लगा रहे होते हैं। अच्छा, हींग का जो है सिर्फ दर्द के लिए नहीं है, पेट में दर्द है, गैस है तो हींग लगानी चाहिए। उसके अलावा सर्दी, अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों के लिए ना हींग बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, उसका जैसे बात हुई थी, मैं सुन रही थी तो उसको के वो चूल्हे पे गर्म करके और बड़ी बू होती है, तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी थोड़ी पहले भी कहा था कि आपने जस्ट पानी लेना है और इसको पानी के साथ ऐसे, मैं भी ऐसे ही करती थी। सबसे आसान तरीका है कि आपने इसको घिस लेना है। अच्छा, डाल लेते हैं हल्का सा पानी, ज़्यादा गीला किया, अब इसको घिसेंगे ना ये पेस्ट बन जाएगा। ओ, और इसको आप बच्चे के नाखून के ऊपर लगा दें। नाखून के ऊपर या नाफ पे? नहीं, नाफ पे भी लगाते हो, गैस है, आपके पेट में दर्द है तो आपने नाफ पे लगा दिया, वरना सर्दी को खत्म करने के लिए पैरों के नाखून पे लगाते हैं। पैरों के नाखून पे सर्दी को खत्म करना, बच्चा मुंह में हाथ ले लेता है, हाथों पे नहीं लगाना, सिर्फ पैरों के नाखून पे लगाना है तो सर्दी से वो महफूज रहता है ना, उसका सीना जकड़ेगा ना, ठंड बैठेगी इस तरह से ना, तो पैरों के नाखून पे लगाते हैं। और अगर दर्द है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग कह रहे होते हैं कि कैस्ट्रो ऑयल में मिला के और पेट पे मसाज कर। अच्छा, अगर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये वाली चीज़ वैसे हर बच्चे को होती है, बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उसमें आपने करना क्या है कि थोड़ी सी हींग ली आपने और इसको बना के रख लें। अच्छा, और इसको कुछ नहीं है तब भी आप बच्चे को अगर लगाते हैं तो उसका खाना हजम हो जाएगा, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कब्ज नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं। अच्छा, ये बच्चों के साथ बड़ा मसला होता है, थोड़ा सा बिल्कुल उन्होंने हींग लिया कैस्टर ऑयल के साथ, पेट पे मसाज करनी है। इसको आप बना के तेल बना के रख लिया, उसके ऊपर लिख लेंगे ये पेट के लिए। हाँ, अब वो पेट में दर्द है, बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, इस वजह से पेस्ट बन जाएगा इस तरह से। और इसको तरीका क्या होता है, हाँ, कि इसको आपने जैसे बच्चे के पेट पे हल्का सा मसाज किया, हाँ, और इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले जमाने से अरंड का पत्ता जो कैस्टर लीव होते हैं उससे लपेट दिया करते हैं। अच्छा, कैस्टर लीव से लपेट भी दे दें, लपेट दे, लेकिन अब हर घर में तो नहीं होता है, तो मलमल का कपड़ा उसके ऊपर हल्का सा बांध दे, या उसके ऊपर उसका जो लंगोट होता है, हाँ, वही उसके ऊपर गर्म करके रख दें, तो वो पूरी गैस भी निकल जाती है और दर्द है जो तकलीफ होती है या कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी खत्म हो जाता है। और ये बच्चे को लाजमी लगाना चाहिए, एक तो सर्दी से महफूज रहता है, दूसरा जो है उसके पेट के जो मसले हैं वो नहीं होते उसको। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना, पेट का मसला ही तो होता है इस एज में बच्चे को अपने, वो इसीलिए रो रहा होता है, और वो रो रहा होता है तो अम्मा अब्बा भी रो रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं अभी इंट्रो में बता रही थी, जैसे मोबाइल के सिग्नल्स जहाँ से आ रहे होते हैं ना, तो हम मोबाइल को, अब हम अपने बच्चे को एंगल भी चेंज कर, अब यहाँ उसका दर्द खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, उल्टा कर रहे हैं तो उसका खत्म हो रहा है। हम बाकायदा, मुझे अच्छे से याद है, सिर्फ पहले बच्चे में ये प्रॉब्लम हुई थी, फिर बाकियों में मैं भी बन गई थी टोटका।